जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, एक नई अपडेट आ रही है, देख सकते हैं। नगर निकायों में कर्मियों की बहाली के लिए एजेंसी की चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं, राज्य के 117 नगर निकायों में कर्मियों की बहाली के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एजेंसियाँ ही आउटसोर्सिंग के आधार पर आवश्यकता वाले 952 कर्मियों की बहाली करेगी। एजेंसियों के चयन के बाद कर्मियों की बहाली शुरू होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 109 नगर पंचायतों में 8-8 पदों और 8 नगर परिषद में 10-10 पदों पर बहाली करने का निर्णय किया है। प्रत्येक नगर, देख सकते हैं, प्रत्येक नगर परिषद के लिए 3, जितने भी नगर परिषद बने हैं उनके लिए 3 IT बॉय और 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टैक्स कलेक्टर और 1 अकाउंटेंट और 1 सफाई निरीक्षक की बहाली कुल 10 करनी है, मतलब एक नगर परिषद में, देख सकते हैं। इसी तरह नगर पंचायत में भी 2 IT बॉय, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टैक्स कलेक्टर, 1 अकाउंटेंट और 1 सफाई निरीक्षक, यानी कुल 8 बहालियाँ होनी है। मतलब नगर पंचायत में जो है 2 IT बॉय जोड़ते हैं, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टैक्स कलेक्टर, 1 अकाउंटेंट और 1 सफाई निरीक्षक, 8 नगर पंचायत में 8 बहालियाँ होनी हैं और नगर परिषद में 10। इस तरह 952 कर्मियों की बहाली का जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आप रेगुलरली अपडेट बनाए रखें क्योंकि जल्द ही ये सारी प्रक्रियाएँ जारी हो सकती है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए जल्द ही आप सभी को अपडेट दी गई। देखिए, हर दिन नया अपडेट आता है, यदि अपडेट नहीं रहते हैं तो बहुत सारे सूचनाओं से आप वंचित हो जाते हैं। जैसा कि देखिए, नेपाल में प्रधानमंत्री जो है KP ओली थे, अब कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा की नियुक्ति की गई है, शेर बहादुर देउबा। तो हर दिन नया अपडेट आता है, चाहे रिक्वायरमेंट से नए जो है करंट अफेयर्स बहुत सारे, तो अपडेट रहना ज़रूरी है। इधर जनसंख्या नियंत्रण पर जो है बहस स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि ड्राफ्ट तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में और 19 जुलाई तक सुझाव मांगा गया है और सभी काफ़ी सारे उसमें गए हैं सुझाव। जो पॉलिसी लगाई गई है, जैसे कि देखिए उस पॉलिसी में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में थोड़ा डिटेल्स से समझ लीजिए क्या क्या पॉलिसी है उसके बारे में। जैसे उसमें एक एक बच्चे को प्रोत्साहन दिया गया, जैसे यदि कोई भी व्यक्ति यदि एक एक बच्चे के बाद जो है बंध्याकरण करा लेता है, तो यदि गर्ल्स हैं तो 1 लाख प्रोत्साहन दिया जाएगा और बॉयज हैं तो 80,000। मतलब अब वह जो है एक एक बच्चा चाहता है कोई भी परिवार, और वैसा कि नसबंदी जो है करा लिया जाता है तो उनके लिए बताया गया है कि यदि जो परिवार ऐसा करता है तो प्रोत्साहन दी जाएगी। इसके साथ ही यह बातें तैयार किया गया है ड्राफ्ट, उसमें ऐसा बातें स्पष्ट है, 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनकी सभी सुविधाएं छीन ली जाएगी, जितनी भी गवर्नमेंटियल सुविधाएं दी जा रही है और सरकार की योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि उनकी सरकारी नौकरी है या वह जो है किसी भी सरकारी चीज़ों पर वह नियुक्त हैं, वार्ड पार्षद, पंचायत, MP, MLA, नौकरी कुछ भी है सरकारी ऐसे समझिए, तो उनको रद्द कर दिया जाएगा, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, समझिए एक तरह से। ये वन चाइल्ड वन पॉलिसी जो आई है उसमें, मतलब 2 से अधिक जिनके बच्चे होंगे, यह जब से लागू होगा उसके 1 साल बाद से यह प्रभावी हो जाएगा। तो यह उसमें कुछ सुझाव मांगे गए हैं। अब इसके साथ ही उसमें यह बात स्पष्ट है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 से अधिक शादियाँ करता है, तो मान लीजिए जो उसकी पत्नियां होती है, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी, इस तरह, तो उसमें क्या दिया गया है सुझाव, मतलब दिया गया है कि अगर जो भी बच्चे होंगे तो पहली पत्नी से जितने बच्चे होंगे, फिर दूसरी से, तीसरी से,
तो उन सभी के बच्चे की गणना जो है वो पिता पर की जाएगी। और मान लीजिए किसी की पहली शादी होती है, फिर अगर दूसरी शादी होती है, तो उस महिलाएं की जो बच्चे होंगे अगर पहली, और उस पर जो है बंध्याकरण कराया जाता है, तो पहले ही माना जाएंगे उस महिला के लिए पहली बच्चे माने जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति के लिए अगर दूसरी उसकी पत्नी है, तो जितने भी बच्चे पहले पत्नी से होंगे और दूसरे से, तो वह सभी उसके में उसके पिता पर काउंट किए जाएंगे। ऐसे सारे इस तरह बहुत सारे उसमें कुछ जो है बातें कही गई है पॉलिसी में। कुल मिलाकर देखा जाए तो उस पर बहस छिड़ रही है और एक ज़रूरी भी है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना। लेकिन अब इसमें जो बहस छिड़ गया है कि जैसे मान लीजिए इसमें बेटे के लोग ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, मान लीजिए किसी की एक संतान हुई और उस पर वह बंध्याकरण करा लेता है, जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी अगर के तहत, तो उसे मान लीजिए 80,000 की प्रोत्साहन मिल जाएगी। तो प्रोत्साहन मिल जाएगी। और अब इसमें यह बातें आ रही हैं कि मान लीजिए लोग बेटी को जो है प्राथमिकता कम देंगे, तो इसमें जो है बेटियों की संख्या घटने वाली है। तो सही बात है कि ऐसी बातें आ सकती हैं। तो इस पर बहस छिड़ चुका है कि कुछ इसमें संशोधन किया जाए जो भी है। तो अब जो भी है वह 19 जुलाई के बाद अपडेट होगी कि क्या किस इसमें संशोधन किया गया है। तो इसलिए हम कहते हैं डेली अपडेट बनाए रखें, हर दिन आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलते रहता है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया, जो कि 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रहे थे, अब वह नहीं रहे। इसके साथ हैं जो भी सारे अपडेट आते हैं, यदि अपडेट नहीं रहते हैं तो बहुत सारे चीज़ों से आप वंचित हो जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट साथ। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई आपको, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।